हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडी लर्निंग बानिश। आज हम इस वीडियो में DSSSB जुलाई 2018 के PGD इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। पहले फर्स्ट 40 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन को मैं यहां पर एक एक करके डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही करेक्ट आंसर तक कैसे पहुँचना है वो भी हम समझेंगे, एंड क्वेश्चन में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में, KVS, NVS, UGC NET, AEE, इन सभी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन को पहले पूछा जा चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो एंजल कर्व से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एंजल कर्व। अब देखिए, एंजल कर्व आपने पढ़ा ना, एंजल कर्व क्या होता है, कर्व जो आपको रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इनकम एंड कंजप्शन के बीच में। यानी आपके इनकम में चेंज होने की वजह से आप अपने कंजप्शन में कैसे चेंज करते हो, आपका इनकम का क्या इम्पैक्ट कंजप्शन पे पड़ता है, ये हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं एंजल कर्व के थ्रू। तो ऑब्वियसली एंजल कर्व किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा, इनकम एंड कंजप्शन। इसीलिए जब हम इस कर्व को बनाते हैं तो इस कर्व को हम इनकम कंजप्शन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनमें से क्या है जो एंजल कर्व से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इज इनकम कंजप्शन कर्व, क्योंकि ये इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशनशिप को बताता है और इससे जो कर्व बनता है वो कर्व इनकम कंजप्शन कर्व भी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एग्जाम में बहुत बार KVS के एग्जाम में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। आपने पढ़ा था ना, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेज होते हैं, एक है यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी होती है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो यहाँ पर यूटिलिटी एनालिसिस की बात की जा रही है, यानी उस अप्रोच की बात की जा रही है जिस अप्रोच को अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो कहता है कि जब हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे, टोटल यूटिलिटी के बेस पे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद करिए, अल्फ्रेड मार्शल ने, देखो अल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ दिया था जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता था, ये लॉ कहता था कि जैसे जैसे हम किसी गुड का कंजप्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस गुड के कंजप्शन की वजह से हमें हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे, यानी जैसे जैसे हम किसी गुड के कंजप्शन को बढ़ाते हैं हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है वो पहले के कंपैरिजन में कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि उससे हमें उस यूनिट के कंजप्शन से पहले जो हमने पहले यूनिट कंज्यूम करी थी वो ऑलरेडी हमारी आधी नीड को सेटिस्फाई कर चुकी है। तो हमें आगे आगे जो भी हम कंजप्शन करते हैं उससे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ऑटोमेटिकली कम होती है। ठीक है, तो यानी आप याद करिए कर्व कैसे बनता था, ये कर्व ऐसे बनता था इन्वर्टेड यू शेप्ड, और यहीं से आपका बनता था मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, तो कहता है कि इस यूटिलिटी एनालिसिस में किसी भी कमोडिटी का प्राइस किसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा, ऑब्वियसली इट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। यानी जो गुड आप कंज्यूम करें, जो कमोडिटी आप यूज़ करें, उसका प्राइस क्या है, ठीक है, उसके बेसिस, यानी उसका जो प्राइस है वो किसके बेसिस पर डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी उस गुड को कंज्यूम करने से आपको कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि हाउ इज़ द वर्किंग ऑफ द इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड कौन से गुड होते हैं, इन्फीरियर गुड का मतलब वो गुड जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ऐसे गुड का आप कंजप्शन कम करने लगते हैं, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये गुड जो होते हैं वो थोड़े कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो आप इनका कंजप्शन कम कर देते हो। तो कहता है कि इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड आपको बताना है कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करे। आपने पढ़े ना, 3 इफेक्ट होते हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कहता है जब इन्फीरियर गुड होगा तो उस केस में इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है, नहीं,
याद रखना, जब भी इन्फीरियर गुड की बात आती है, इन्फीरियर गुड के केस में हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, इन्फीरियर गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा इनकम इफेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, इनकम इफेक्ट आउटवे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये वाली बात तो क्या हो गई, गलत हो गई कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा होता है, नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ, इनकम इफेक्ट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हाँ बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिटिव तो काम करते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज पॉजिटिवली विद प्राइस, नहीं अभी तो आपने पढ़ा, क्या इसका प्राइस के बीच में हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं, नहीं देखते हैं, हम तो इनकम के साथ इसका रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट मूव एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कॉन्स्टेंट, नहीं ऐसा नहीं होता। तो इन्फीरियर गुड के केस में हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है। बट इस क्वेश्चन में अगर उन्होंने पूछ लिया था बताइए इन गिफ्ट गुड के केस में क्या होता है, इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि गिफ्ट गुड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, तो जो गिफ्ट गुड होते हैं उस केस में, गिफ्ट गुड के केस में हमेशा इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है। यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना आपने, गिफ्ट गुड के केस में इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। तो यानी इस केस में ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। पहली ये है एन इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये वाली बात तो ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी, हमारे एडम स्मिथ ने दी थी। नेक्स्ट, मार्शल्स इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन, हाँ आपने पढ़ा था ना, इन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशन दी थी। तो मार्शल ने जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी तो उसने यही बोला था, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पर हम लोगों की मटेरियल वेलफेयर की बात करते हैं, तो ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन हमें कौन सी बतानी है, फॉल्स वाली चीज़ बतानी है। नेक्स्ट कह रहे हैं थर्ड में, रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, यस जो हमारे एलन रॉबिन थे उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जहाँ पे हम स्कार्सिटी या चॉइस को स्टडी करते हैं, तो ये वाली बात भी ठीक है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो गलत क्या होगी, हमें यही तो बताना है कौन सी फॉल्स है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी इज वैलिड इन ओनली इन पुअर कंट्री, नहीं स्कार्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या पुअर कंट्री में होता है, नहीं स्कार्सिटी जो होती है वो पुअर कंट्री में नहीं होती, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो हर पर्सन के साथ होती है और हर कंट्री के साथ है, चाहे वो रिच कंट्री हो, चाहे वो डेवलप हो, अंडर डेवलप हो, डेवलपिंग कंट्री हो, हर नेशन स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करता है। स्कार्सिटी मीन्स जब रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अवेलेबल है, बट लोगों की वांट जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग परसेप्शन इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनमें से कौन सा परसेप्शन है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड है। तो आपने सीधी सीधी डेफिनेशन पढ़ी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप, यानी अगर आप कोई एक ऑप्शन छोड़ते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा आप उसको चूज कर रहे हो, वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यानी सीधी सीधी डेफिनेशन है इसकी, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इंडिविजुअल मार्केट, ये वाली बात तो ठीक है ना, पढ़ा है ना आपने, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, इंडिविजुअल से डील करती है। नेक्स्ट कहता है टेस्टिंग इकोनॉमिक मॉडल इज हार्डली कॉम्प्लिकेटेड, जब हम जितने भी इकोनॉमिक्स मॉडल है जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत मुश्किल होता है, हार्डली कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअल में वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसको होल्ड करते हैं, थर्ड देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द इकॉनमी एज होल, ये वाली बात भी ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला तो कट गया, हमें बताना कौन सा सही नहीं है, जबकि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो 1 और 3 कट गया। ऑप्शन नंबर 4 कहता है सेट्रिस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वाली बात ठीक है, आपने पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में, सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है कि बाकी सब फैक्टर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि डिमांड जो है वो सिर्फ किसकी वजह से चेंज होती है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड, जबकि बाकी इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ये सब चीज़ें क्या होती है, कॉन्स्टेंट। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो सही बताना नहीं, हमें कौन सा बताना जो सही नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। अब देखिए एग्जाम में ज़्यादातर आपको नॉट ट्रू और ऐसे क्वेश्चन देके आपको कन्फ्यूज करता है, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट करके ये रख लो कि भैया उसने नॉट ट्रू वाला पूछा, ताकि आप इसको ठीक कर पाओ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपका, डिक्रीज इन डिमांड मींस, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? ठीक है, अब आपने पढ़ा था ना डिक्रीज इन डिमांड, और यहाँ पर आपका आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे डिमांड वाले चैप्टर में, मूवमेंट और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं। तो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब जब वो शिफ्ट की बात कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि अब आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी आता है, यहाँ पे आपका प्राइस आता है। यानी जब सेम प्राइस पर, मान लीजिए पहले ये प्राइस था तो कंज्यूमर इतनी डिमांड करता था, सेम प्राइस पर कंज्यूमर ने कम यूनिट खरीदना शुरू करी। पढ़ा था ना कि जब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उस गुड के प्राइस से मतलब नहीं होता उसको, उसकी इनकम है या नहीं, उस गुड का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं, या फिर वो गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो है या नहीं, टेस्ट है या नहीं, फैशन नहीं है, वो सब चीज़ों को देख कर जब वो उस प्रोडक्ट के को कम खरीदना शुरू कर रहा है तो उस केस में वो कहलाता है डिक्रीज इन डिमांड। तो बेसिकली डिक्रीज इन डिमांड, अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है डिमांड कम हो रही, इसका मतलब प्राइस बढ़ गया, इसको ध्यान रखना है, ये चीज़ गलत है। डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट की बात करता है, और शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स है यानी प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब कांस्टेंट प्राइस पे कंज्यूमर क्या करता है, कम यूनिट को खरीदना शुरू करता है। तो कहाँ पर है ये रहा, यानी लेस डिमांड एट सेम प्राइस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है वाई द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव, क्यों पीपीसी कर्व जो होता है वो कॉनकेव होता है। याद करिए पीपीसी कर्व कैसे बनता है, पीपीसी कर्व आपका बनता है ऐसे, दिख रहा है ऐसे, कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो वो यही पूछ रहा है कि पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव क्यों बनता है। पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों बनता है, जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, जब ये चीज़ें बढ़ने लगती है, इसकी वजह से जो आपका PPC कर्व होता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। ये सब चीज़ें आपने बेसिक 11th-12th में पढ़ी हुई हैं। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए PPC कर्व कॉन्वेक्स बनता है, ऐसे बनता है, तो ये कब बनेगा? तो ध्यान रखना कब बनेगा, जब लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल कॉस्ट होगा, या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, या फिर डिक्रीजिंग MRT होगा, उस केस में ये कॉन्वेक्स बनेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि PPC कर्व स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, ऑब्वियसली कब बनेगा, जब MOC या फिर OC या फिर MRT क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो तीनों सिनेरियो हो सकते हैं, यानी PPC कर्व जो है वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, और स्ट्रेट लाइन भी। कॉनकेव मीन्स जब MOC बढ़ेगा, कॉन्वेक्स मीन्स जब MOC कम होगा, और स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब MOC क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि डिमांड इज़ अ कंज्यूमर्स, डिमांड इज़ अ कंज्यूमर्स, डिमांड कंज्यूमर की क्या है, सिर्फ डिज़ायर है? नहीं, या डिज़ायर टू परचेज इन एबिलिटी टू पे, हाँ इसमें दोनों ठीक है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहता है और उसको खरीदने के लिए उसकी एबिलिटी भी है, ठीक है। थर्ड इज़ विलिंगनेस टू पे, सिर्फ विलिंगनेस तो नहीं होती, एबिलिटी टू पे नहीं। डिमांड का मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर उस कमोडिटी को कब खरीदना चाहता है, जब उसको खरीदने के लिए उसकी डिज़ायर भी है, साथ साथ उसको खरीदने के लिए उसके पास एबिलिटी है, यानी पैसा भी है। पढ़ा है ना, डिमांड मीन्स विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी एट पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर प्राइस। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिकली अजर्शन का क्वेश्चन है, दो अजर्शन दे रखी है। पहले अजर्शन में कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड ऑन कैपिटल एकोमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, कैपिटल एकोमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर। बिल्कुल, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी वहाँ पर अगर पर कैपिटल इनकम या फिर नेशनल इनकम या ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो कब होंगे, जब वहाँ पर कैपिटल एकोमुलेशन ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी। ये बात तो ठीक है, यानी पहला अजर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है फॉर पुअर डेवलपिंग कंट्री कैपिटल एकोमुलेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल। बिल्कुल, जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अगर ग्रो करना चाहते हैं तो उनको कैपिटल एकोमुलेशन ज़रूर चाहिए, ये वाली बात भी ठीक है। तो यानी दोनों अजर्शन ठीक है, दोनों कहाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि डिमांड कर्व हैज़ द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है। ये आपको क्वेश्चन अभी मैंने प्रीवियस एक दो क्लास पहले पढ़ाया था कि आपको बोला है कि डिमांड कर्व कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ये कुछ डिमांड कर्व आपका ऐसे बन रहा है।
तो ये कह रहा है कि ये डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी यहाँ पर जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी कैसे होगी। तो मैंने आपको बताया था ना, जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो इस केस में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वन होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वन होगी। वन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, यानी ऑप्शन नंबर टू क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड थ्रू आउट द डिमांड का, यानी पूरे डिमांड का जो इलास्टिसिटी होगी यूनिटरी होगी यानी वन होगी। तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इनमें से किस कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है सबसे कम है, यानी कौन सा गुड ऐसा है जिसको आप सबसे मतलब आपके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसकी इलास्टिसिटी कम है, जिसको छोड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत सबसे कम देखी जाती है। कॉमन सॉल्ट, क्लोथ, कॉफ़ी, कार। देखो क्लोथ, कॉफ़ी, कार ऐसी चीज़ है जिसको आप अभी छोड़ भी नहीं देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कॉमन सॉल्ट, घरों में अगर आपके नमक ना या खाने में आपको नमक ना मिले तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो यानी ये ऐसी चीज़ है जिसकी इलास्टिसिटी क्या है, इनसे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की इलास्टिसिटी कम है, यानी आपके लिए उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ पीपीसी कर्व, यानी इनमें से क्या बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो पीपीसी कर्व से नहीं पता लगता। ओपन पॉसिबिलिटी, चॉइस बाय सोसाइटी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो जब हम पीपीसी की बात करते हैं, पीपीसी जब हम ऐसे बनाते हैं तो आपने पढ़ा ना, यहाँ पे यहीं पे तो आपने ओसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये पीपीसी का वैसे क्यों बनता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से बनता है, यानी अगर प्रोड्यूसर एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगा तो उसको दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा। तो यानी पीपीसी कर्व से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट तो डिराइव होता है, ये वाली बात ठीक है। स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हाँ बिल्कुल है। देखिए ना, अगर प्रोड्यूसर इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो इसका कम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। अगर एक तरफ बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ उसको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चॉइस बाय सोसाइटी फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल यही उसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और यहीं से उसको चॉइस करना है, यानी जितना भी गुड का प्रोडक्शन करना है उसको यहीं से चूज करना है कि वो अगर एक्स की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वाई की कितनी कर पाएगा। तो यानी ये तीनों ही कॉन्सेप्ट है जो पीपीसी से डिराइव हो रहे हैं। ओपन पॉसिबिलिटी नहीं है, ओपन पॉसिबिलिटी है नहीं, ओपन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। जो उसके पास ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो चॉइसेस अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटी सेट अवेलेबल है, उसको यहीं से प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट कहता है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑप्शन इन ओपननेस। ओपननेस तो है ही नहीं, आपको पता है ना, जो ऑप्शन है वो उसी में से करना है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ऐसा है नहीं, यहाँ पे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इतना यह प्रोडक्शन इसके कैपेसिटी का यूज़ करके कर सकता है। अलार्मिंग प्रोडक्शन या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने पढ़ा ना, ये पीपीसी कर क्या बताता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसको दूसरा प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लिमिटेशन नहीं है, यानी अंडर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की बात करते हैं तो इनमें से क्या लिमिटेशन नहीं आती है, यानी इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा ना, यानी जब दो कंज्यूमर दो गुड कंज्यूम करता है उसको दोनों गुड से सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। याद करिए, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज लैम्डा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे होता है ना इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर एक्स गुड भी कंज्यूम कर रहा है, वाई भी कर रहा है, उसको दोनों से सेटिस्फेक्शन क्या मिल रही है, सेम। तो इस जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, यानी जहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। देखो पहला ऑप्शन, डिफिकल्ट टू मेजर मार्जिन यूटिलिटी डिफरेंट ग्राउंड। देखो जहाँ पे आपको मार्जिन यूटिलिटी मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो लिमिटेशन है, आपको बताना कौन सी लिमिटेशन नहीं है। तो ये तो कट गया। हैबिट्स एंड कस्टम ऑफ द कंज्यूमर वाइल स्पेंडिंग मनी, अगर कंज्यूमर को यही नहीं पता लग रहा है कि जब वो पैसा खर्च कर रहा है तो उसकी क्या हैबिट्स है, उसका क्या कस्टम है, तो बेकार है, खत्म। इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूमर जो समझदार है, वो जानता है, वो चाहता है कि वो अपने कम पैसे खर्च करके अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाए। तो ऐसे में तो ये लिमिटेशन नहीं हुई, ये तो फ़ायदा हुआ ना, कंज्यूमर रैशनल है, स्मार्ट है कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की लिमिटेशन नहीं है, ये इसका बेनिफिट है, ये इसका मेरिट है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। देखो कितना आसान है आपको, यहाँ पे चार में से तो दो आपको पहले गलत मिल जाएंगे, आपको फिर दो में से जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आपको उसको टिक करके आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन केस ऑफ अ गिफिन गुड अ फॉल इन प्राइस टेंड्स टू, यानी गिफिन गुड के केस में जब प्राइस कम होता है तो क्या होता है, पढ़ा है ना, गिफिन गुड्स जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। बट गिफिन गुड वो गुड है जहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, जहाँ पर दोनों में वाइस इन वर्सा रिलेशनशिप नहीं है। गिफिन गुड क्या कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी इस गुड की, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो इस गुड की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो गिफिन गुड के केस में यानी अगर प्राइस फॉल कर जाएगा तो डिक्रीज इन डिमांड यानी डिमांड कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ध्यान रखना है गिफ्ट इन गुड्स यानी जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपका, अ डिमांड कर्व विच इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक डिमांड कर्व है जैसे क्यू हो गया, यहां पर पी हो गया, एक डिमांड कर्व जो कि हॉरिजॉन्टल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है? हाँ। अब ये डिमांड कर्व क्या बताता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसी है, यहाँ पर इलास्टिसिटी है इन्फिनिटी, पढ़ा है ना। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कैसे निकालते हो, ऊपर क्या आता है क्वांटिटी, नीचे क्या आता है प्राइस। अब देखिए क्या यहाँ पे प्राइस क्या है, चेंज हो रहा है? नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है, दिख रहा है? यानी इस कांस्टेंट प्राइस पे कंज्यूमर चाहे जितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। ये शो क्या कर रहा है कि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, सेम है, और इस सेम प्राइस पे कंज्यूमर की मर्जी है, चाहे वो एक भी क्वांटिटी ना खरीदे, चाहे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदे, चाहे वो कम क्वांटिटी खरीदे। तो यानी क्वांटिटी तो चेंज हो रही है बट प्राइस नहीं चेंज हो रहा। तो अगर किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ईडी की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी इनफाइनेटली इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जहाँ पे बोला है व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पढ़ा ना, प्रॉब्लम चॉइस का मतलब क्या है, जब आपके पास रिसोर्सेज स्केयर्स होते हैं और आपके वांट्स बहुत सारी होती है, और आपके जब रिसोर्सेज आपके पास कम है लेकिन आपकी ज़रूरतें बहुत सारी है, तो आप सब कुछ तो नहीं खरीद सकते हो क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम है। तो आपको बहुत सारे वांट्स में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी वांट को फुलफिल करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये तो आप पढ़ के आ रहे हैं, 11th क्लास का टॉपिक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितने आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसको एनालिसिस करना है और टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि किसने कहा था इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिक्स वो है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं, तो किसने कहा था, जेकॉब वाइनर ने, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स वो है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है आपको कि वन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर अंडर इंडिफरेंस कर्व, याद है जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते थे, ऐसे इंडिफरेंस कर्व क्या बनाता था, ऐसे दो गुड के कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, और कंज्यूमर चाहे ये कॉम्बिनेशन खरीदे, चाहे ये खरीदे, चाहे ये खरीदे, यानी कंज्यूमर इनमें से कोई भी गुड के कॉम्बिनेशन खरीदेगा उस पूरे कॉम्बिनेशन पे, यानी इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इस इंडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, पढ़ा था ना, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व यानी ऐसे और बजट लाइन आपस में एक दूसरे को टेंजेंट करती है, तो जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में टेंजेंट करती है वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, जहाँ पे दोनों के स्लोप बराबर हुए। तो आईसी का स्लोप क्या होता है, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मान लीजिए दो गुड है एक्स एंड वाई, तो जहाँ पर आईसी का स्लोप यानी एमआरएस किसके इक्वल हो जाएगा, बजट लाइन के, और बजट लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, पीएक्स अपॉन पीवाई, यानी एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड के प्राइस का रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए जो कि माइक्रो पे बेस्ड थे, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, जहाँ पे बोला है कि आइसोकॉन्ट इज डिफाइंड एज, आइसोकॉन्ट क्या डिफाइंड करता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था ना, इंडिफरेंस कर्व वगैरह क्या आता है, इट इज़ रिलेटेड विद कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, बट आइसोकॉन्ट इज रिलेटेड विद प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यानी आइसोकॉन्ट क्या है, ध्यान करिए ज़रा, आइसोकॉन्ट में क्या होता था, ये आइसोकॉन्ट कर्व बनता था, उसी तरीके से यहाँ पे आइसोकॉस्ट कर्व बनता था, ये आइसोकॉन्ट हो गया और ये आइसोकॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आता था, यहाँ पे दोनों का स्लोप इक्वल होता था। आइसोकॉन्ट का स्लोप क्या होता है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और आइसोकॉस्ट का स्लोप क्या होता है, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। लेबर को क्या प्राइस पे करोगे, वेजेस, कैपिटल को क्या पे करोगे, रेंट। तो यानी जहाँ पर इन दोनों के स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फर्म कई बार बहुत सारे खर्चे करती है, उनमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फर्म रिकवर नहीं कर पाती है, वो खर्चे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फर्म के लिए संक कॉस्ट,
यानी वो खर्चा जो डूब चुका है, जो वापस आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से कौन सा कर्व ऐसा है जो यू शेप्ड कर्व नहीं है? अब ध्यान करिए, ये सारे कर्व कैसे, यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, यहाँ पे ए सी, एम सी और मान ली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ गया, तो ये तीनों कर्व कैसे बनते थे? ये ए वी सी हो गया, ये ए सी हो गया और लॉन्ग भी हो गया तो थोड़ा ऐसे हो गया, तो तीनों कर्व कैसे बनते हैं? ये यू शेप्ड बनते हैं, ठीक है। और एम सी भी कैसे बनेगा? यू शेप्ड बनेगा। लेकिन कौन सा कर्व यू शेप्ड नहीं है, उसने यही बोला है कि कौन सा कर्व ऐसा है जो ग्राफिकली यू शेप्ड नहीं बनेगा, तो करेक्ट आंसर इज टोटल फिक्स कॉस्ट। इसके अलावा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तीनों कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड बनेंगे, बट कि टी एफ सी नहीं बनेगा। टी एफ सी कैसे बनता है? इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू, यानी इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कब, देखिए अब ये वर्ड सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना, इंक्रीज इन सप्लाई यानी बात कर रहे हैं शिफ्ट की, जैसे डिमांड में शिफ्ट एंड मूवमेंट होता है वैसे ही सप्लाई में भी होता है, तो इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि वो बात कर रहा है यहाँ पर शिफ्ट की, और शिफ्ट की इसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो अदर फैक्टर में अब देखते हैं, टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो गई, अगर टेक्नोलॉजी डाउन होगी तो सप्लाई बढ़ाओगे? नहीं, आपको नुकसान हो जाएगा ना, सप्लाई बढ़ाओगे थोड़ी कम करोगे, तो ऑप्शन कट गया। फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, यानी उस गुड को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो कम आ रहा है। हाँ देखो, जब आप कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, उस गुड को बनाने में आपको इनपुट सस्ते पड़ रहे हैं, आपका प्राइस कम पड़ रहा है, इनपुट सस्ते पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो गुड बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, आप मार्केट में उसको ज़्यादा बनाकर ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या राइस होगा? अगर इनपुट्स महंगे होंगे तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, नहीं आपको प्रॉफिट कम होगा। टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे हो, अरे तो टैक्सेस ज़्यादा पे करोगे, आपकी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, आपके लिए प्रॉफिटेबल कम है, तो आप उसमें सप्लाई बढ़ाओगे थोड़ी कम करोगे, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पढ़ा ना इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब जिसमें आपके मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट आते हैं, इन मार्केट में मान लीजिए सेलिंग कॉस्ट की बात हो रही है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन, अपने गुड्स को ज़्यादा सेल करने के लिए उस पर एडवर्टाइजमेंट पे और कंज्यूमर्स को लालच देना, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स प्रोवाइड करना ताकि वो उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदे, वो होती है सेलिंग कॉस्ट। तो कह रहा है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट जब आप करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है उस केस में उस फर्म के लिए कैसी रहेगी? ऑब्वियसली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे? देखिए, अगर सेलिंग कॉस्ट कब लगाते हैं वो लोग, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा कब करते हैं, जब उनको लगता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, हो सकता है कि मार्केट में उनसे बेटर कोई और प्रोडक्ट बना रही है और ऑप्शन अवेलेबल है, तो कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा? तो ऐसे में वो कंज्यूमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सेलिंग कॉस्ट पर ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस केस में यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, डिक्लाइन हो रही है, यानी कम हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल, अ मोनोपोलिस्ट किसको कंट्रोल कर सकता है? मोनोपोलिस्ट जो है प्रोडक्शन प्राइस सबको कंट्रोल कर सकता है? नहीं, मोनोपोलिस्ट के पास दो ही, या तो वो प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकता है या प्राइस कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मोनोपोलिस्ट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, तो आपने पढ़ा ना कि प्राइस और क्वांटिटी का वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर मोनोपोलिस्ट ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा तो कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट को खरीदना कम कर देगा, या तो वो खरीदेगा ही नहीं या तो कम करेगा, बट कहीं और से ले भी नहीं पाएगा, आपने पढ़ा है ना मोनोपोली उसकी मार्केट में, तो या तो दूसरा तरीका क्या है, या तो प्रोडक्शन वो कम कर दे, तो मोनोपोलिस दोनों कंट्रोल नहीं कर सकता, या तो प्राइस कंट्रोल कर सकता है या तो प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परेटो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज बेस्ड ऑन, परेटो ने कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी सोसाइटी वेलफेयर को आप कैसे बढ़ा सकते हो, वो कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी याद है हिक्स ने, जे आर हिक्स ने दिया था, एलन ने दिया था, जहाँ पे बताया गया था कि किस गुड को आप जब भी किसी गुड को कंज्यूम करते हो तो उससे गुड से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को आप एग्जैक्टली मेजर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ रैंक कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ये गुड आपको इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इससे ज़्यादा दे रहा है, इससे ज़्यादा दे रहा है, बट एग्जैक्टली कितना दे रहा है आप वो नहीं बता सकते हो। तो सेम परेटो का जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट था वो किस पर बेस्ड था? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर मोनोपोली सोशल वेलफेयर इज़, मोनोपोली मार्केट में सोशल वेलफेयर क्या होता है?
कम होता है। मोनोपोली में पावर किसके पास होती है? सारी मोनोपोलिस्ट के पास होती है। कंज्यूमर के पास तो ज़्यादा चॉइस ही नहीं होती है। कंज्यूमर या तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा या तो वो छोड़ देगा। अगर बहुत ज़्यादा महंगा वो ख़रीद ही नहीं सकता तो वो छोड़ देगा, या तो उसको ख़रीदना पड़ेगा बट वो कहीं और से नहीं ले सकता। तो मोनोपोली मार्केट में सोशल वेलफेयर जो होता है वो बहुत कम होता है, कंज्यूमर को नुकसान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? याद करिए, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे प्राइस आ गया। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इकलौती ऐसी मार्केट, ये मार्केट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्राइस, AR, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड सब सेम होती है। यही इकलौती ऐसी मार्केट है जहाँ पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। और इसी पॉइंट पर क्या होता है, मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। तो उसने आपको, अब इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया MR, और आप जानते हैं कि MC कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पे, अब ऑप्शन में देखिए ज़रा ध्यान से, ज़रा ऑप्शन में हमें ध्यान से देखना है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो रहा है प्राइस के, दिख रहा है मार्जिनल कॉस्ट जो है, ये मार्जिनल कॉस्ट किसके किसको कट कर रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के साथ ऑप्शन मार्केट में और कोई है ही नहीं। AR का ऑप्शन नहीं है, MR का ऑप्शन नहीं है, MR का ऑप्शन नहीं, तो किसका ऑप्शन बचा? प्राइस का। तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, जहाँ पे MC इक्वल्स टू क्या हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर सप्लाई कर्व जो है, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे प्राइस आ गया, अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है और प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो यानी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा हो, देखिए अब दोनों ऑप्शन में, यहाँ पे इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी सप्लाइड है, यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई है। हमने क्वांटिटी सप्लाइड क्यों किया है, क्योंकि उसने क्या बोला है, जब वो यही तो कह रहा है कि सप्लाई कर पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, यानी यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रहा है। और लॉ ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड आता है, जब लॉ ऑफ डिमांड आता है तो क्वांटिटी डिमांड आता है, यानी स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात होती है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो, जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई आएगा, जहाँ पे केस में वो शिफ्ट वाला केस आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इंक्रीज ऑल फैक्टर इन अ गिवन प्रोपोर्शन, अगर हम सभी फैक्टर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से, यानी जितने से आपने इनपुट बढ़ाए, अगर आउटपुट भी उतने से बढ़ जाता है, जितने से इनपुट बढ़े उतने से ही आउटपुट बढ़ गया, तो उस केस में कैसा रिटर्न टू स्केल होगा? उस केस में होगा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी अगर आपने 10% से इनपुट बढ़ाए तो आपका आउटपुट भी ऑटोमेटिकली 10% से आ गया, ठीक है। तो उस केस में आपका हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहाँ एप्लीकेबल होता है? इंक्रीजिंग है नहीं, वेरिएबल नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ, जो लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन आपने पढ़ा है ना, जो लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर होमोजेनस का मतलब क्या है, जब आप उनके वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या होता है, लीनियर आता है, यानी वन आता है। वन का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन आता है ना, वहाँ पर आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर जितने से इनपुट बढ़ाए उतने से आउटपुट बढ़कर नहीं आया, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जितने से आपने इनपुट बढ़ाया उससे कई टाइम आउटपुट बढ़कर आया, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, UGC नेट का तो बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन रहता है हमेशा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक है या फ्लो है? तो सप्लाई जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई का मतलब क्या है कि सप्लाई जो होता है ना, एक्चुअल में स्टॉक का पार्ट है, यानी सेलर्स जो है वो कितनी क्वांटिटी जो है वो बेचने के लिए विलिंग है और उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी तो यहाँ पर क्या है, ये इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछे डिमांड, डिमांड इज ऑल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे नहीं बता सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय लैंड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं लैंड का मतलब क्या है? ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच हैव एक्सचेंज वैल्यू, इकोनॉमिक्स में यहाँ पढ़ते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड क्या है? लैंड ऑब्वियसली एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसके एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू का मतलब है कि अगर आपके पास ज़मीन है, आप उसको बेचोगे तो उसको उसके बदले पैसे मिलेंगे, यानी उसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू है, वो बेकार नहीं है, वेस्ट नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ऐसा होता है ना, कॉब डगलस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी इनटू में लेबर, लेबर की पावर अल्फा, कैपिटल इसकी पावर बीटा,
ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन है कॉब डगलस का. तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि अगर इस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, यानी इस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को क्या करना, यानी व्हाट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी ऑब्टेंड, यानी स्कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो हम कितनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्सिमम को कर सकते हैं, पढ़ा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेबर और कैपिटल को एफिशिएंट क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है अबव द पॉइंट ऑफ किंग अ किंग डिमांड कर्व हैज, याद करिए यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, ऐसा बनता है आपका किंग डिमांड कर्व, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, ठीक है, दिस इज़ द किंग पॉइंट. ये किंग पॉइंट क्या करता है, ये डिमांड कर्व को दो पार्ट में ब्रेकेज कर रहा है. तो कहते हैं अबव द पॉइंट ऑफ किंग, यानी इस किंग पॉइंट से ऊपर जो किंग डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, एक से ज़्यादा ज़्यादा होगी. देखिए क्यों, इस पॉइंट पे था तो इतनी डिमांड थी, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा अब क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, यानी वो कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी को कम यूज़ करना शुरू कर देगा, यानी उस प्रोडक्ट को छोड़ना शुरू कर देगा. तो इससे ऊपर यानी किंग पॉइंट से, इस किंग पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बिलो द किंग पॉइंट इलास्टिसिटी कैसी होगी, कम होगी, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसको, प्राइस ऑलरेडी किंग पॉइंट से क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, किंग पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, हायर रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर वुड फाइनली, देखो जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाते हैं, एक बार मैं इसको प्रॉपर बना के दिखाती हूँ कैसे बनता है. ये यहाँ पे क्वांटिटी आ गई आपकी, लेबर वगैरह आप जो यूज़ करते हो, यहाँ पे आपका आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट. एक ही डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका इस तरीके से आपका बनता है ये टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, यहाँ पर एम पी मैक्सिमम होता है, उसके बाद एम पी फॉल करता है, जब ये टी पी जीरो मैक्सिमम होता है तो एम पी यहाँ पे ज़ीरो होता है, और ये आपका कुछ बनता है ए पी कर्व, ऐसे बनता है. तो कह रहे हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं, वुड फाइनली, देखो ना दोनों कम हो रहे हैं, ये भी फॉल करता है और ये भी फॉल करता है, तो दोनों ही फॉल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि इफ़ प्राइस डजंट कवर द एवरेज कॉस्ट इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म विल इवन स्टे इन द मार्केट एज लॉन्ग एज द प्राइस कवर्स, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है और शॉर्ट रन है. वो कहता है कि मान लीजिए परफेक्ट शॉर्ट रन में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फर्म है, वो प्रोडक्शन कर भी रहा है, अगर वो प्राइस मतलब जो उसके पास उस प्रोडक्ट को बेचने पर जो भी प्राइस आ रहा है, अगर वो एवरेज कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही है, लेकिन उस केस में भी फर्म प्रोडक्शन जारी रखेगी, यानी कोई भी फर्म जो है भले अभी टाइम कम हुआ है, शॉर्ट रन में अगर उसको, यानी शॉर्ट रन में अगर फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने पे जो लेबर का खर्चा आया, अगर फर्म एटलीस्ट उतना कवर कर पा रही है, तो शॉर्ट रन में अगर उसको लॉस भी हो रहा है तो भी फर्म अपना प्रोडक्शन जारी रखेगी. तो उसने यही पूछा है कि फर्म अपना प्रोडक्शन जो है वो कब तक जारी रखेगी, जब तक वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो सेलिंग कॉस्ट की बात की गई है, यानी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना है सेल को प्रमोट करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को प्राइस थ्योरी में किसने इंट्रोड्यूस किया था. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इस कॉन्सेप्ट को दिया था एडवर्ड एच चैम्बरलेन ने. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि अगर सप्लाई का वर्टिकल है, देखिए ऐसे वर्टिकल आ रहा है, और वर्टिकल और किसके पैरेलल है, इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस केस में इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगी, जीरो होगी. कैसे, देखिए ऊपर क्वांटिटी आता है नीचे प्राइस आता है, देखो क्वांटिटी क्या चेंज हो रही है, नहीं, क्वांटिटी क्या है हर पॉइंट पे सेम है, तो क्वांटिटी में चेंज आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है, ज़ीरो. लेकिन प्राइस चेंज हो रहा है, हाँ बापा, प्राइस कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो नीचे प्राइस चेंज हो रहा है. ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. तो यहाँ पर देखिए इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगी, ज़ीरो, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट. इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि किसी भी मोनोपोलिस्ट के लिए दो डिफरेंट मार्केट में डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होगा, दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, सेम. हाँ, मान लीजिए एक मार्केट एक जगह पे लोकेटेड है, दूसरी मार्केट दूसरी जगह पे लोकेटेड है,
अगर दोनों मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस से दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी एक जैसी है, यानी दोनों मार्केट में कंज्यूमर ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़, मतलब उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली क्या रहेगा, प्राइस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या उस मार्केट में वो डिस्क्रिमिनेशन कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर एक मार्केट है जहाँ पर कंज्यूमर छोड़ सकते हैं उस प्रोडक्ट को, उस केस में वो प्राइस क्या करेगा, उस मार्केट में कम रखेगा। बट दूसरी मार्केट जहाँ पे कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, उस केस में वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। तो क्वेश्चन यही है कि मोनोपोली जो है किस मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा? अगर दोनों मार्केट में प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो है वो सेम है, तब उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन करना आसान नहीं है। बट अगर अलग अलग मार्केट है और इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, उसके लिए तब करना प्रॉफिटेबल है। तो इस वीडियो में मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड आने वाली सीरीज़ में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को जारी रखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से हम आगे सीरीज़ को जारी रखेंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।